तुमको किधर जाए, हम तो तेरे बिन मर जाए। सुनो मैम, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है। सर आप थोड़ा वेट कीजिए, डॉक्टर साहब अभी आईसीयू में किसी बच्चे को देख रहे हैं। ठीक है। कितना टाइम लगा दिया? मुझे पता है डॉक्टर साहब सब झूठ बोलते हैं, कोई आईसीयू में नहीं है, बैठे होंगे कहीं आराम से। हाँ सर, क्या हुआ बच्चे को? सर देखिए ना, बहुत तेज बुखार है। चलो अंदर ले चलो। ठीक है, आप ये दवाई ले लीजिए। ठीक है सर। लो सर, हो गई आपके बच्चे की छुट्टी। ओके, धन्यवाद भाई साहब। मैम एक बात बताओ, जो पास वाले बेड पे बच्चा है उसे डॉक्टर साहब क्यों नहीं देख रहे? वो कितना परेशान हो रहा है। दरअसल सर वो बच्चा डॉक्टर साहब का है, ज्यादा पेशेंट होने के कारण सर उसे देख नहीं पा रहे। क्या, वो डॉक्टर साहब का बच्चा है? आज पता चला डॉक्टरों को भगवान क्यों कहा जाता है। जोड़िया आसमान से बनती है, तुम क्या आसमान से गिर के मर गई? आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। देख कितनी छोटी सी लड़की कितना अच्छा कर्तव्य दिखा रही है। वाह यार, चल बैठ हम देखते हैं। हाँ भाई। यार मयूर, मेरे दिमाग में एक बात है। तेरी खुद की डांस एकेडमी है। हाँ। तो भाई तू इसे और अच्छा डांस सिखा। अरे भाई कैसे कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? अरे भाई पैसे? अरे पैसों की कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन बस तू इसे डांस सिखा ताकि इसे एक प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक है भैया। पैसे? बेटा तूने ये सब कहाँ से सीखा? घर पे सीखा था। अरे वाह यार, अब आगे और सीखना चाहते हो? आगे बढ़कर कुछ बनना चाहते हो? चलो ठीक है, आपको कल से डांस ये सिखाएंगे और पूरी ट्रेनिंग ये करवाएंगे, और तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग फ्री में होगी। ठीक है, कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू। ठीक है। आज इसे देखकर एक बात याद आई। क्या भाई? कि किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पे तमाशा करता है। वाह वाह। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। जिसके लिए मैं 5-5 रुपए जमा करके चॉकलेट लेके जाता था, पर वो तो गुटखा खाती थी। लीजिए भैया दूध। अरे सुनो भैया, इस महीने का कितना हिसाब हो गया अपना? पर भैया आप तो महीने के आखिरी में हिसाब करते हो, अभी तो 5 दिन बाकी है, आज ही हिसाब क्यों? कोविड की वजह से मेरी नौकरी चली गई, इसलिए हम और दूध नहीं ले पाएंगे आपसे। अच्छा भैया, जो 1800 रुपए हो गए आपके, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है भैया। लीजिए भैया जी दूध। भाई मैंने तो तेरा कल दूध का हिसाब कर दिया था ना। अरे भैया जी, हम आपका एहसान कैसे भूल सकते हैं। अरे भाई जब से कोविड आया तब से लोगों ने दूध लेना ही बहुत कम कर दिया। हाँ यार भाई, ये तो तू ठीक कह रहा है, अब तो घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यार। सुन विशाल, आज से दूध 1 किलो नहीं 3 किलो कर देना। हाँ ठीक है भैया। तो भैया हमें पता है कि अभी संकट का समय चल रहा है, तो आप दूध लेने से इनकार मत करो, जब आपकी नौकरी लग जाए तब पैसे लौटा देना, क्योंकि अभी यही समय एक दूसरे की मदद करने का। ये बात तो सच कहा यार तूने, इस कोविड के समय एक दूसरे की मदद जरूर करें। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाव। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। मेरी झलक का